हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ ढाबा स्टाइल मिक्स पंजाबी तड़का की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मिक्स दाल, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और 7 से 8 घंटे के बाद मैंने इसे पानी से छानकर अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकर, कुकर में मैं दाल को ऐड कर लूंगी। दाल को ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें पानी मिला ली हूँ। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों, 3 से 4 सीटी लग गई है। तो कुकर से गैस निकाल लेने के बाद मैंने जो है लीड खोल लिया है। तो देखिए, दाल हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से उबल गई है। तो चलिए, अब इसे हम अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं और चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने लिया है कड़ाही, कड़ाही में ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो तेल हमारी जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा, जीरा को चटकने दिए हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन के टुकड़े। तो इस तरह से लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसे मैंने डाल लिया और अब इसे मैंने इस तरह से चला लिया है और इसे 10 से 15 सेकेंड के लिए पका ली हूँ। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटे हुए प्याज, प्याज को डालकर हम इसे अच्छे से चलाएंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो 20 से 25 सेकंड पकाने के बाद प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं अदरक, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, साथ ही इसमें ऐड की हूँ हरी मिर्च। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे चला लेना है। और इसी तरह से चलाते हुए मैंने इसे 30 से 45 सेकंड के लिए पका लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, जो कि बारीक कटी हुई है। तो टमाटर को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी अब हम सॉफ्ट होने देंगे। थोड़ा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो स्वाद अनुसार नमक डाल ले। नमक को डालकर मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। और गाइस देखिए, टमाटर जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए मैंने वापस इसे 30 से 45 सेकंड के लिए पका लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन दोनों मसालों को डालकर हमें इसे अच्छे से चला लेना है। तो दोस्तों, मसाले हमारे जो है अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर ली हूँ और अब इसे हम मिक्स करेंगे।
तो इसी तरह से चलाते हुए मैंने इसे 40 से 45 सेकंड के लिए पका लिया है। तो मसाले तैयार हो गए हैं, तो अब इसमें हमने जो दाल उबाले थे उसे ऐड कर लेंगे। तो सभी दाल को मैंने जो है कढ़ाई में ऐड कर लिया और इसे अच्छे से चला लूंगी। तो दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चला लिया और इसी तरह से हम इसे ढक देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो दोस्तों 6 से 7 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। चलिए हम इसे एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता जो कि बारीक कटी हुई है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चीनी को डालकर हम इसे चला लेंगे। तो इसी तरह से मैंने इसे 1 मिनट के लिए पकाया और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। तो हाथों से इस तरह से थोड़ा सा रब करके कसूरी मेथी को जो है कढ़ाई में ऐड कर लेना है। इसे डालकर मैंने इसे अच्छे से चला लिया। एक मिनट पका लेने के बाद मैं इसमें जो है घी को ऐड कर ले रही हूँ। घी को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। तड़का जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ढाबा स्टाइल मिक्स पंजाबी तड़का रेसिपी बनाना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।